हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पहली बात तो दो चार इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत बच्चे परेशान हैं सर, अब क्या करें, बड़े परेशान हैं, बड़ी चिंता हो रही है हमको। देखो अभी भी आपके पास बहुत समय है, मेरे हिसाब से अभी भी बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो पूरा कोर्स SST का मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो वहाँ से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, बशर्ते माइंड को फोकस्ड रखो, फालतू टाइमों से समय हटा दो। बाकी अपनी डेली एग्जाम डोज सीरीज रेगुलर चली रही है, और रेगुलर नहीं तो बहुत सारे लेक्चर इसके आ चुके हैं, पिछले साल के भी लेक्चर हैं और अब के भी लेक्चर हैं, और अभी पेपर तक मैं आपका हमेशा साथ रहूँगा। बहुत सारी चीज़ आपको लेके आने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराऊँगा, बताऊँगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 SST का चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है? बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे इसमें से, और छोटे छोटे क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे जब बड़े आपने कर लिए। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छी तरह से कर लेने हैं, ठीक है? 2 टॉपिक इसमें हट गए, फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना चाहता हूँ, सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से जो करना है वो है व्हाई इंडिया अडॉप्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्यों अडॉप्ट किया था, ठीक है? क्वेश्चन भी हम इनके आंसर भी देखेंगे, टेंशन मत लेना, मैं सारे यहाँ पे हिंट देके चलूंगा। दूसरा, एक्सप्लेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? एक्सप्लेन, बड़ा क्वेश्चन बनेगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्राइवेटाइजेशन पे एक छोटा सा नोट लिखना है, आ सकता है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? एक्सप्लेन, समझाइए। एक्सप्लेन अबाउट स्वदेशी के बारे में आपको समझाना है। सातवां, व्हाट डू यू मीन बाय स्किल डेवलपमेंट? एक्सप्लेन। देखो मेरे हिसाब से ये 7 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेने चाहिए, और इनके अलावा आपको कुछ बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, घुमा फिरा के दे सकते हैं, टॉपिक यही रहेंगे, ठीक है? क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में एक्चुअली मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ, बस हिंट है। देखो ये पूरा की पूरा चैप्टर मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, आराम से उनको एक एक करके आप देख लेना। मैं यहाँ पर सिर्फ हिंट दूंगा आपको कि क्या है इस चैप्टर में और ये क्या क्या क्वेश्चन हैं इनके बारे में, ठीक है? तो देखो हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होते ही हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। कैसी इकोनॉमी को अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर दोनों चीज़ों के फीचर्स होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको प्राइवेट के भी फीचर देखने को मिलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको गवर्नमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट, कौन सा सिस्टम बोलते हैं? सोशलिस्ट। और जहाँ पे प्राइवेट होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है? मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि हमने 1991 में जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी थी, क्यों पड़ी थी, क्यों हमने 3 रिफॉर्म्स अपनाए जिनको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो व्हाट आई सेड कि 1947 में हमने जो इकोनॉमी का मॉडल अपनाया था वो था मिक्स्ड इकोनॉमी, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी किस किस का कॉम्बिनेशन था? कैपिटलिस्ट सिस्टम का और
सोशलिस्ट सिस्टम का। कैपिटलिस्ट सिस्टम वो होता है जहाँ पे चीज़ें प्राइवेट के कंट्रोल में होती हैं, सोशलिस्ट सिस्टम वो होता है जहाँ पे चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, खैर ये सिस्टम हो गया, हमने अपना लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने अपना लिया मिक्स्ड मॉडल, मगर 1947 से 1990 के बीच में, 1947 से 1991 के बीच में हमारा झुकाव जो ज़्यादातर रहता है वो झुकाव किधर तक रहता है, सोशलिस्ट की तरफ झुकाव रहता है। किधर की तरफ रहता है, सोशलिस्ट की तरफ झुकाव रहता है। हम ज़्यादा फोकस करते हैं किस पर, हम ज़्यादा फोकस करते हैं वेलफेयर पर। किस पर फोकस करते हैं, हम ज़्यादा फोकस करते हैं वेलफेयर। कौन सा वेलफेयर, सोशल वेलफेयर पर फोकस करते हैं। कौन से वेलफेयर पर, सामाजिक वेलफेयर पर फोकस करते हैं। हमारा ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें किसके कंट्रोल में हुआ करती थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी। प्राइवेट का, प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट का रोल जो था वो लिमिटेड रोल था। प्राइवेट को हमने ज़्यादा रोल दे नहीं रखा था। सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इकोनॉमी पूरी तरह से सेंट्रलाइज थी। कैसी थी, सेंट्रलाइज इकोनॉमी थी। सब कौन कंट्रोल कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली कंट्रोल कर रही थी। तो ऐसे में यहाँ तक हमारा जो मतलब समस्या थी इकोनॉमी में, वो समस्या क्या थी, हमने बहुत सारी क्या लगा रखी थी, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। ट्रेड करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। कोई नई कंपनी आए तो उसको सेटल करना डिफ़िकल्ट होता था। नई कंपनी आए तो उसको बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। क्या लेने पड़ते थे, लाइसेंस। इसीलिए इस टाइम को बोला जाता है कि लाइसेंस राज चलता था इस समय पर। या बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इंस्पेक्शंस करने आते थे, तो इंस्पेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा क्या होता था, करप्शन होता था। और इस टाइम को इंस्पेक्टर के राज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इंस्पेक्टर राज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर कोई कंपनी लगा लेना तो उसको बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती थी, बिजनेस करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो इन सभी समस्याओं की वजह से, और ऊपर से गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा किस पर कर रही थी, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स पर कर रही थी। किस पर, समाज कल्याण की स्कीम्स पर सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान हुआ करता था। ऊपर से गवर्नमेंट की अर्निंग बहुत कम हुआ करती थी, गवर्नमेंट की अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी, जबकि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ऊपर से सरकार फिस्कल डिसिप्लिन पर ध्यान नहीं दे रही थी। किस पर, फिस्कल, अरे मिक्स कर दिया, फिस्कल डिसिप्लिन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं था। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब क्या है, सरकार की ऐसी पॉलिसी, ध्यान देना, फिस्कल डिसिप्लिन में सरकार क्या करती है, ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके और साथ ही साथ में गवर्नमेंट के लोन्स को कम किया जा सके। तो यहाँ पर ये बड़ी समस्याएं चल रही थी। ऊपर से भारतीय इकोनॉमी में कुछ, या इस समय कालखंड में कई सारी घटनाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो जाता है, इंडिया चाइना वॉर हो जाता है। 1965 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है। 1971 में फिर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है। 1975 में आपको पता है नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, आर्टिकल 352 क्या लग जाती है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। फिर और ये सारी समस्याएं यहाँ पे चलती रहती हैं, ठीक है ना। 1984 में हमारी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया जाता है, ठीक है। और 1990 के समथिंग ही किसको मार दिया जाता है, राजीव गांधी को भी मार दिया जाता है। तो यहाँ पर ये समस्याएं होने लग जाती हैं बहुत सारी। ऐसे में हमारी देश की इकोनॉमी का ढांचा बैठ चुका था, हमारी इकोनॉमी की हालत ऐसी हो गई थी कि हमारे पास, हम जो एक्सचेंज करते हैं, ध्यान रखना, हम मतलब विदेशों से बहुत सारा सामान मंगाते हैं और हम विदेशों को भेजते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसका जो पेमेंट है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक रिजर्व रहता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। क्या बोला जाता है, फॉरेक्स रिजर्व बोला जाता है। तो ये फॉरेक्स रिजर्व, ध्यान देना, 1990 तक आते आते ये फॉरेक्स रिजर्व हमारा बहुत कम हो गया था। और इतना रह गया था कि मात्र 2 वीक के लिए और हम इंपोर्ट कर सकते थे। कितने वीक के लिए, 2 वीक के लिए और इंपोर्ट कर सकते थे। उसके बाद हमारे देश में बहुत ही बुरी हालत हो जाती। अब ऐसे में ज़रूरी था कि हमें कुछ ना कुछ सुधार करना पड़े। तो इंडिया पहुंचता है किसके पास, इंडिया जाता है लोन लेने के लिए, जाता है भागते भागते किसके पास, वर्ल्ड बैंक के पास। किसके पास जाता है, वर्ल्ड बैंक के पास जाता है और IMF के पास जाता है कि सर हमें क्या चाहिए, हमें लोन चाहिए। क्या चाहिए, लोन।
वर्ल्ड बैंक और IMF इन्होंने बोल दिया कि भाई हम ऐसे लोन नहीं देंगे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी की ना इकोनॉमी में बहुत सारी समस्याएं, आपको अपनी इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, कुछ सुधार लाने पड़ेंगे। हम आपको लोन तो दे देंगे, वी विल गिव यू लोन, बट कुछ कंडीशंस के साथ देंगे। किसके साथ देंगे? कंडीशंस के साथ देंगे। तो इंडिया पहुंचा इनके पास, इनसे लोन की रिक्वेस्ट करी, मगर उन्होंने क्या बोला कि हमें दे तो देंगे मगर आपको कुछ सुधार करने पड़ेंगे। इंडिया ने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको मान लिया, और इंडिया ने फिर क्या लागू कर दी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडिया क्या लेके आता है? एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आता है। कब लाता है? 1991 में इंडिया एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आता है। उसी इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं LPG रिफॉर्म्स। 1991 में इंडिया ने क्या किए, तीन सुधार किए बड़े बड़े, जिसमें L का मतलब है लिबरलाइजेशन, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो रिफॉर्म्स किए गए थे, क्यों किए गए थे? क्योंकि हमारी इकोनॉमी की हालत क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फर्दर इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इकोनॉमी को फर्दर कंटिन्यू कर नहीं सकते थे। तो ऐसे में जब हम लोन लेने गए तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने बोला कि आपको अपनी इकोनॉमी सुधार करना पड़ेगा। फाइनली फिर हमने LPG रिफॉर्म्स लेके आए, और ध्यान देना जब हम LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे तो इस समय पर हमारे PM हुआ करते थे PV नरसिम्हा राव। कौन हुआ करते थे? PV नरसिम्हा राव, नरसिम्हा PV नरसिम्हा राव, ये क्या हुआ करते थे? PM हुआ करते थे। और हमारे FM हुआ करते थे कौन? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या हुआ करते थे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय हमने ये रिफॉर्म्स लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब हल्का सा मैं चर्चा कर लेता हूँ कि लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, हल्की सी चर्चा करूँगा। ज़्यादा तो मैंने डिटेल सारी समझा रखी है, बस यहाँ पर चर्चा करनी थी और मुझे कुछ क्वेश्चन देने थे यहाँ पर, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ के साथ में आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें आप कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, ये युद्ध याद रखना, कब कब हुए थे, कैसे कैसे हुए थे। बस हम एक बार हारे चाइना से 1962 में, इसके बाद तो हमने धूम मचा दी। क्या मचा दी? पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से धोया, पाकिस्तान को रुला दिया भाई, हैं, हल्के में मत लेना इंडिया को। खैर, तो LPG के बारे में समझते हैं। LPG और G, ये तीन रिफॉर्म्स हम कब लेके आए? 1991 में। L का मतलब है भाई लिबरलाइजेशन, क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन, क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन। P का मतलब है भाई प्राइवेटाइजेशन, P का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन। और G का मतलब है भाई ग्लोबलाइजेशन, G का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब समझो बेटा, प्राइवेटाइजेशन मतलब देखो, 1991 से पहले हमारी हालत क्या हुआ करती थी, सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने खुद के कंट्रोल में रखा करती थी। इवन घड़ी तक कौन बनाया करता था? सरकार बनाती थी। प्राइवेट कंपनियों को हमने एंट्री बैन कर रखी थी। तो बोला IMF और वर्ल्ड बैंक ने, भाई सुधारो अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, सुधारो ताकि देश में इन्वेस्टमेंट आए, देश में बाहर से कंपनी आए, देश में मल्टीनेशनल कंपनी आए, ताकि देश ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम हो, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी था बाहर से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए, बाहर से हमारे देश में कंपनी आए, वो अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करें। अब इतना सारा करेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी हमारी रफ्तार पकड़ लेगी, और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमारे लोगों पे पैसा आएगा, और मनी इज एवरीथिंग, क्योंकि मनी से ही इंप्रूव होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मनी आएगा तो लोग हेल्थ पे खर्च करेंगे, मनी आएगा तो लोग एजुकेशन पे खर्च करेंगे, और जब इन सब चीज़ों पे खर्च करेंगे तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा हो जाएगा। आई वॉन्ट फ्रॉम यू, आपको कमेंट करके बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है। ठीक है ना, ये कमेंट करके आपको बताना है। ओके, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या किया गया था? यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, जो पाबंदियाँ हुआ करती थी, उन सबको हटा दिया। रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया? हटा दिया। पॉलिसीज कैसी कर दी? इजी कर दी। भारत में बिजनेस करने की बिजनेस करना बहुत आसान कर दिया। मतलब जितनी भी हर्डल्स हुआ करते थे, जितनी भी समस्याएं हुआ करती थी बिजनेस करने में, उन सब समस्याओं को हटा दिया, मोस्टली समस्याओं को हटा दिया गया। किसके थ्रू? लिबरलाइजेशन के थ्रू। ऐसी पॉलिसीज बनाई गई ताकि भारत में बिजनेस करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। यही है लिबरलाइजेशन। तो जितने भी टफ लॉज हुआ करते थे, टफ पॉलिसीज हुआ करती थी, टफ जितने भी सिस्टम हुआ करते थे, सब हटा दिया। इंस्पेक्टर राज और आपका लाइसेंस राज सब कुछ खत्म कर दिया, बहुत सिंपल कर दिया, ताकि बिजनेस करना आसान हो। प्राइवेटाइजेशन, तो ध्यान देना, 1990
1991 तक प्राइवेट जो कंपनियां हुआ करती थी उसकी एंट्री बैन हुआ करती थी, उसको रोक रखा था गवर्नमेंट, सारी चीज़ों को कंट्रोल करती थी। यहां से पहली बार प्राइवेट कंपनियों को एंट्री दी जाती है कि भाई आप अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। तो पहली बार यहां से मतलब अच्छी तरह से प्राइवेट कंपनियों का आना स्टार्ट होता है और भारत में एक के बाद एक कंपनी आना स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं। कौन आती हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में व्यापार करती हैं, दैट आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। लेट अस टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरी दुनिया, विश्व, पूरा विश्व एक क्या है, एक छोटा सा गांव है। ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया है, ये अपना भारत है, सपोज ये अपना प्यारा भारत है भाई, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है। तो भारत को वर्ल्ड के कंट्रीज के साथ जोड़ना, इंडिया को वर्ल्ड के कंट्रीज के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, अपने देश को बाकी देशों के साथ जोड़ना, ताकि दो देशों के बीच में व्यापार हो सके, दो देशों के बीच में टेक्नोलॉजी शेयर हो सके, दो देशों के बीच में मैन पावर एक्सचेंज हो सके, दो देशों के बीच में नॉलेज की शेयरिंग हो सके, दो देशों के बीच में लेबर की शेयरिंग हो सके। ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपने देश को बाकी देशों से कनेक्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में दो चीज़ों ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दैट इज कम्युनिकेशन और दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनियों को एंट्री देना। पहले जो प्राइवेट कंपनियां बैन हुआ करती थी या जो सेक्टर जिसमें प्राइवेट कंपनियां नहीं जा सकती थी, वो सेक्टर ओपन कर दिए प्राइवेट कंपनीज के लिए। लेबलाइजेशन, ट्रेड आसान करना, बिजनेस आसान करना, जो पाबंदियाँ हुआ करती थी उन सबको रिमूव कर देना। ग्लोबलाइजेशन, अपने देश को बाकी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन रिफॉर्म हुआ करते थे, तीनों को अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर कर लेना है। इनके वीडियोज टॉपिक बाई टॉपिक मैंने बना रखे हैं और कंबाइंड वीडियोज भी बना दिए, प्ले लिस्ट आप चेक करें। क्लास 10th SST कोर्स कंप्लीट डाल रखा है, धीरे धीरे उसमें सारे वीडियो में सारे में जो चैप्टर है उनको मर्ज करके डाल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ते रहें, बिंदास रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहो, खुश रहो, स्माइल करते रहो और जय हिंद, जय भारत।